भिवंडी वाली बहन है ना, उसके पड़ोस की लड़की के लिए है ना, वो लोग लड़का ढूंढ रहे। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो कहे तो मेहमानों की बात आगे बढ़ा सकती हूँ। जैसे ही साइन हो जाएंगे आपके बेटे और बहू के, मैं बहुत ही जल्द तलाक करवा दूंगा। देवा, मेरे मानो को इस कागज पर सही करने की बुद्धि देना देवा। वो इस कागजात पर अगर सही करेगा ना, तो मैं तुझे 1001 नहीं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ देवा, मानो को बुद्धि देना। मानव, अरे इधर है मानव। ए मानव, ये कागजात है। कागजात? कैसे कागजात आई? वो हलकट नालायक अर्चन, उसको गाली देते समय मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, उसने हरकत ही ऐसी की है ना। अब क्या किया उसने? ये कागजात भेजे है तलाक के पेपर। ये कैसे? अरे बेटा, उनके घर से एक लड़का आया था, एक कागजात मेरे हाथ में थमा दिया और चला गया। लगता है उसकी जो पहले वाले लड़के से सगाई टूट गई थी ना, क्या नाम था उसका? सतीश। हाँ सतीश, मुझे लगता है उसके साथ उसकी शादी तय हो चुकी है और इसलिए वो तुझसे छुटकारा चाहते हैं। तू कर दे सही बेटा। भाई, भाई ये। नहीं बेटा, मैं अंदाजे से नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को ये मार्केट में घूमते समय। देख, मुझे मालूम है ये बात तुझसे बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन बेटा सच्चाई को झूठला तो नहीं सकते ना हम। तू सही कर, ये किस्सा खत्म हो जाएगा और कितनी देर तक तू बर्दाश्त करते रहेगा बेटा। नहीं आई। अरे बेटा, तू कैसे नहीं समझ सकता, वो लड़की झटके पे झटके दे रही है, घाट पे मंगलसूत्र उतार के दिया, वो दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई, अब ये डाइवोर्स कागज पे भेज दिए है, और कितना बर्दाश्त करेगा बेटा तू? भाई ये सही नहीं है, ये अर्चना की मर्जी से नहीं हो रहा है। तुझे कैसे पता चला? भाई अगर ये अर्चना की मर्जी से हो रहा होता तो अर्चना के दस्तखत तो होते ना यहाँ पे। अर्चना के दस्तखत नहीं है, इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती। सही कर दे बस, बात खत्म। नहीं यार, जब तक अर्चना इस पर दस्तखत नहीं करती, मैं भी दस्तखत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक उम्मीद बाकी, उस पर इस तरह से पानी कैसे। मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, ही नहीं करूंगा। अजीब बेटा है, लोग कहते हैं सविता टेढ़ी सोचती है, अगर सीधी बात लोग मानते नहीं तो टेढ़ी बात करनी पड़ती है, मानो बेटे। कैसा करूं? आई, तेरे को एक बात बताता हूँ,
तू ये जो बकवास के प्लान्स देती है ना, एक दिन जान लेंगी मेरी। ए, मेरे जान पर बन आई है, मुझे जो चाहिए वो काम नहीं हुआ ना। तू ये आई, ये काय के पेपर्स है? तुझे क्या करना है, हर चीज में ये क्या है वो क्या है। तेरा और श्रावणी का किधर था? भाई डेट फिक्स करके आ रहा हूँ मैं। मतलब? अरे मतलब कॉफी के लिए जा रहा हूँ उसके साथ। माजा मुलगा शब्दोस, सुन सुन मेरी बात पहले। कौन कान इधर दे। उसके साथ तू जाएगा कॉफी पीने, पहला बिल तू भरेगा। ठीक है। बिल ज्यादा करने का नहीं, पहला बिल भरने से तेरा इम्प्रेशन बन जाएगा। और उसके साथ सोच समझ के बात करना, पागलों जैसी बात मत करना। आई तू ना प्लीज मेरे को ये सब मत समझाया कर, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी तो एक काम कर, तू फटाफट मेरे को आशीर्वाद दे, मेरा बहुत बड़ा मैच होने वाला है। अरे जीतने का मेरे को आई देगी ना, क्या जीत के आऊंगा। इसकी बैटिंग तो चालू हो गई, ये तो मैच जीत ही लेगा, लेकिन इस गधे मानव का क्या करूं मैं, सही करने को तैयारी नहीं, क्या करूं। अर्चना के बच्चे की पहले सही लेती हूँ, मेरा मानव तुरंत तैयार हो जाएगा सही करने के लिए। ऐसे चुचूर, आ जल्दी आ जल्दी आ। क्या हो गया? तेरे पास काका का मोबाइल है? क्यों? ये 50 सवाल मत करो, कान के नीचे दूंगी। निकाल निकाल मोबाइल, निकाल निकाल। ये ले, ये ले। क्या मुझे आता है? अर्चना के घर का नंबर लगाओ। क्यों? 50 सवाल मत कर, लगा के देख। ये ले, ज्यादा बात मत कर, बैलेंस बहुत कम है। ज्यादा बात मत कर, तू जाना। हेलो, सविता देशमुख बोल रही हूँ, तेरी लाडली बेटी को फोन दे। देखिए सविता जी, जरा तमीज से बात कीजिए। ठीक है देखिए भाई साहब, कृपा करके आप अपनी बेटी को फोन देंगे? क्या काम है? यही तो बात है ना, तुम लोगों को प्यार से सर पे बिठा लो, कथक करने लग जाते हैं। तुम मेरे तमीज का इम्तिहान मत लो, अपनी बेटी को फोन दे दो। हाँ हाँ देता हूँ। अर्चू बेटी, अर्चू। हाँ बाबा। ले सविता जी का फोन है तेरे लिए। हेलो। क्या मिठास है तेरी आवाज में, लगता है तुझे आके मिली लू। देख कुछ बात करनी है तेरे से, तेरे घर आऊं या बाहर मिलेगी? मीठी जुबान न तेरे बाप के न तेरे पल्ले पड़ती है, और तेरे सड़ियल घर में आने का मूड ही नहीं है। देख आज ठीक 4 बजे सब्जी मंडी में पहुंच जाना, मैं ठीक 4 बजे आऊंगी, तू भी वहां आना। अगर तू नहीं आई ना तो पहचानती है ना बेटा तू मुझे। चल फोन रख। क्या हुआ बेटा, क्या कहा उन्होंने? बाबा वो मुझसे मिलना चाहते हैं 4 बजे बड़े बाजार में, और 3:30 तो बज चुके हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन मिलना पड़ेगा बाबा। देखो कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। बाबा अगर मैं वहां नहीं गई तो वो यहाँ आ जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ कर फिर से कोई प्रॉब्लम। बाबा आप सब लोगों ने मेरी वजह से वैसे ही बहुत अपमान सहा है, अब और नहीं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। मंजू बेटा। जी बाबा। तुम भी इसके साथ चले जाना।
पता नहीं इस बार ये पुड़िया क्या कुल खिलाएगी। ए भागो इधर से, बोल दे 20 रुपए किलो। और 100 रुपए किलो नहीं जाना ना, ये 20 रुपए मिलती हूँ। और तुझे 100 रुपए किलो आधा मत चुकूँ क्या? के मारूंगी आई ये चला। ये तेरा पांव छूने का नाटक मत कर। मुझे मालूम है पांव छूने आएगी और पांव खींच के मेरा जमीन पे गिरा देगी। चुपचाप इस पर सही कर, सही कर। आई, ये क्या है? ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात है। ये मेरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे सड़ेले फैमिली के नाम पर करने वाली हूँ। वर तोड़ करूं विचार के मला कसले पेपर है म्हणून? तलाक के कागजात है ये। तुमसे छुटकारा चाहता है और उसी ने भेजा ये सही लेने के लिए। एक बार तू इस पर सही कर दे फिर तेरा ये गंदा थोपड़ा लेके तू निकल जा, मैं मेरा सुंदर थोपड़ा लेके यहां से निकल जाऊंगी। कर सही। लेकिन लेकिन ये वो रोने का नाटक नहीं करना। मैं तुम सब लड़कियों को जानती हूँ, अपने चेहरे पे गोरे गोरे चेहरे से दूसरे लड़कों को भुला देती है, हाँ? उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है। तूने ऐसा ही किया ना मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ तूने ऐसा ही किया ना? मेरा भोला भाला बेटा तेरे जैसे डायन के चुंगुल में फंस गया। मैं तुझे उसके जिंदगी में आने से नहीं रोक सकी, लेकिन उसके जिंदगी से जरूर निकाल दूंगी, समझी ना तू? इसके ऊपर सही कर दे, नहीं तो यहाँ मैं ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगी ना, जो बची कुची तेरी इज्जत है ना वो भी निकाल दूंगी। लोमड़ी का दिमाग पाया है इस बुढ़िया ने। पहले यहाँ पब्लिक प्लेस में बोला, फिर सबके सामने जी भर के इंसल्ट करो। लाज शर्म वाला आदमी तो बेचारा झक मार के साइन करेगा ही ना। क्या सोच रही है तू? गहने वापस लेते वक्त इतना सोचा था? झट से लिए थे ना गहने? तेरी जुबान क्यों है बंद? मेरी जुबान खुलवाना चाहती है? सही कार। आई। ए, 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 ये पणबीन की बात मेरे से मत करा, मत कर। और नाटक करके दूसरे किसी को दिखाना, मैं तेरी नियत जानती हूँ, समझी ना तू? अगर तेरे दिल में मेरे बेटे के लिए कुछ होता ना तो तू मंगलसूत्र उतार के नहीं देती थी। तुझे रिश्ता ही रखना नहीं ना, तो इतना क्यों सोच रही है तू? बोल ना। चट मंगनी पट ब्याह हुआ था ना, अभी चट शादी पट तलाक हो जाएगा। सही कर। अरे हाँ, मैं भूली गई, तू अनपढ़ है ना, साइन नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटा, भगवान ने तुझे अंगूठा दिया है, अक्ल दी है, तो तेरा अंगूठा इस पर लगा दे,
मैं तुझे अंगूठा दिखाकर निकल जाऊंगी। क्या सोच रही है तू? तेरी कुंडली खुलवाऊं क्या मैं? कैसे तूने हमारा घर छोड़ा? तेरे आई के घर कैसे गई? हाँ, मेरे बेटे को कैसे अकेला छोड़ा? सबको बताओ और पूछूंगी, बताओ इसमें मेरी गलती क्या है जो मैं इससे तलाक ले रही हूँ? हाँ? बड़े अपर मिडिल क्लास वाले बनते हैं ना? आज अगर तू यहाँ साइन नहीं करती तो तेरे परिवार का कच्चा चिट्ठा पूरा पूरा खोल दूंगी मैं। तेरी घमंडी आई, तेरा मरियल बाप, तेरा फट्टू भाई, तेरी भिकारी बहन और ये सड़ियल तेरी वाइनी। हे, ये क्या बोले जा रही है तू? और ये समझती क्या अपने आप को? इसकी इतनी हिम्मत? मुझे सड़ियल कहा, विनोद को फट्टू कहा, और तू साइन कर दो इन पेपर्स पर। कर साइन, साइन कर दो। ए, मेरी हिम्मत को मत ललकार, भारी पड़ेगा तुझे। ए नौटंकी, सही कर, कर सही। अर्जुन, तू साइन कर। अरे इसके धोखेबाज बेटे से तो कई अच्छे लड़की मिल जाएंगे तुझे। और वो होता कौन है तुझसे रिश्ता तोड़ने वाला? तुझे हक है उससे रिश्ता तोड़ने का। तू साइन कर, साइन कर इन पेपर्स पर। तू साइन कर इन पेपर्स पर और दे मार ये पेपर्स इसके मुंह पर। ए क्या? अरे तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों से हमने रिश्ता जोड़ा, हमारी गलती हुई। अर्जुन, ये बिल्कुल सही मौका है, साइन कर दे इन पेपर्स पर और दे दे इन्हें। अरे दिखा दे इसे और इसके बेटे को इनके असली जगह। साइन कर इन पेपर्स पर तू। ए, तेरी बकवास बंद कर, भारी पड़ेगा। अरे चुड़ैल, सती सावित्री मत बन, सही कर। हर्चु, 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 कर दे साइन। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।